Hey, I came to the side. उस साइड में खत्म देखिए खरा खुलिया सर यहाँ से सर थैंक यू आप खुद देख रहे हैं अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। एलजी साहब खुद मुआयना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ईद बहुत बड़ी बात होती, खुशी की बात है। सबों को पहले ईद की मुबारकबाद और एलजी साहब आज खुद ही यहां पर आ गए और देख रहे हैं कि कैसे इंतज़ाम है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी फुल हाथ है और वक्फ तो इंशाअल्लाह रहमान जो भी हमसे हो पाता है हम कर रहे हैं। और वक्फ का मकसद ही है कि जो हमारे ज़ेर एहतमाम श्राइन्स मॉस्क्स आते हैं वहाँ पे लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और ईद खुशी खुशी हो जाए, ज़ायरीन आए, नमाज पढ़े और इबादत करे, ये हमारा मकसद रहता है। और इस मकसद में अल्लाह ताला हम सबों को कामयाब करे। वो सरकार का फ़ैसला है, हमारा जो वक्फ बोर्ड के अंदर ईदगाह आता है अगर आप देखेंगे उसमें कितनी तबाही है, उसको हमवार करने में ही हमें 2 साल लगेंगे। अभी ज़मीन हमवार नहीं है लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि वो तैयार हो जाए, उसके बाद उसमें ज़ायरीन नमाज भी पढ़े। मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार है, खासतौर से इंतजाम पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी ईद के लिए मुकम्मल हो इसकी पहले भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन साहिबा हमारे यहाँ हैं, आला अफसर भी हैं, साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था और बाकी सारे इंतजाम ठीक रहे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमन और शांति का पैगाम है।